अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं इस वीडियो पर जो मैंने अभी अपलोड किया, वो कह रहे हैं कि आपको वी यू की अथॉरिटी से कितने पैसे मिले हैं कि आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। और आप कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो यही बताया था कि आप अपने आप से सब्जेक्टिव लिख के आज जो आपको नंबर मिल जाएंगे। यार वीडियो पूरी देखा करो फिर इसके बाद फैसला किया करो। मैं आपको बता दूँ, मैंने ये बोला था कि आप रेलिवेंट सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख के आ जाओगे। रेलिवेंट का वर्ड सुना होगा, अगर आपको रेलिवेंट का मतलब नहीं आता तो जाके सर्च करें रेलिवेंट। अगर कुछ भी लिख के आओगे तो वो आप इजीली उसमें अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में आपको एक दो नंबर मिल जाएंगे। और दूसरा, आप मुझे कह रहे हैं अथॉरिटी की तरफ से मुझे एक रुपया भी नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहली बात यह कि अथॉरिटी मुझे क्यों पैसे देगी। मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई कैंडिडेट हूँ या मतलब उनके स्टाफ में से हूँ? नहीं, सिंपल बॉय हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 2 साल हो गए हैं, अपने साथ साथ चैनल रन किया और अल्हम्दुलिल्लाह रन हुआ है, सब्सक्राइबर्स आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऑथेंटिक होती है। और दूसरा, आप लोग कह रहे हैं कि आपने पहले कहा था कि हैशटैग व्यू रिजल्ट नामंजूर। जी, मैंने कहा था कि व्यू हैशटैग रिजल्ट नामंजूर, क्या हैशटैग लगाएं, हो सकता है कि अपडेट हो जाए। मैंने आपको ये गाइड बिल्कुल नहीं किया था, बेशक पुरानी वीडियोज़ देख लें, उसमें गाइड मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं किया था कि आप ये करें और बिल्कुल इस पर जो है आमादा हो जाएँ और करते रहें जब तक आपका जो है व्यू रिजल्ट नामंजूर का जो है वो मुतालबा आपका माना नहीं जाता कि आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट किया जाए। ये बिल्कुल नहीं कहा था मैंने, पूरा अमन तरीके से ये सब कुछ करना था जो भी करना था। ठीक है, अब नहीं मान रही वी यू, अब नहीं कुछ हो सकता तो अब नहीं हो सकता। देखें, 50 साल से वी यू काम कर रही है ना, वी यू ऑन है। ठीक है, तो आज तक कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। ठीक है, इस दफ़ा हो गया तो स्ट्रिक्ट मार्किंग की है। वी यू का राइट बनता है कि वो अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जो है वो हायर साइड पे लेके जाए। बाकी यूनिवर्सिटीज इतनी ऊपर है रैंकिंग के लिहाज से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी नीचे है। उन्होंने स्टूडेंट्स को फेल करके इस जो ये बात स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है कि वो आगे अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम मेहनत करके पास हों और कोई ना कोई स्किल हासिल करके तो हैं वो आगे प्रमोट हों। तो न्यू स्टूडेंट्स को मैंने इस वजह से ये बताया कि वो ज़रूर जो है वो न्यू स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और इसमें मेहनत करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इनके लेक्चर्स अगर आप इनके लेक्चर्स पढ़ लें तो आप, मैं कहता हूँ कि मास्टर बन जाएंगे उस चीज़ के। इतनी डिटेल में वीडियोस यूट्यूब की में और इनके जो है LMS में अपलोड हुई भी होती हैं। ठीक है, तो मुझे ब्लेम करना छोड़ें और रियलिटी पे डिपेंड करें। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपने जो करना है हैशटैग वीरजुल नामंजूर के हैशटैग जितने डाले हैं आप डालें। मुझे कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए कि आप जो है वो वीडियो बनाएं और स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और ये नेगेटिविटी से निकलें और मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम है यूनिवर्सिटी को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड करना। ठीक है, और ये मैं देखें कहाँ खड़ा हूँ, ये गंद के पास खड़ा होकर, मतलब के प्लाट में खड़ा हूँ, उधर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा काम से आया हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो कि नेगेटिविटी फैल रही थी, जिससे कह रहे थे कि आप लोटे हो ये वो। मुझे इन कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी बोलें, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक टके का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट प्लीज़ परेशान मत करें, उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आने से मत रोकें। ठीक है, कोई जॉब होल्डर है, कोई कितनी मुश्किल से ये इंतजार कर रहा होगा मेरी डिग्री कंप्लीट हो, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, ये वो। मेरा भी रिजल्ट आया, मेरी 2 में F है और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी 2 में F है और वो 2 में F आनी थी क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। ठीक है, बस ओके, अल्लाह हाफिज़।